सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड यू आर वॉचिंग जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आमला हनी कैंडी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, इसे सभी एज के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आइए देखते हैं इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका। एक बर्तन में 4 से 5 ग्लास पानी गर्म करने रख दीजिए। फिर इसमें मैं 1/2 kg आमले डाल रही हूँ। इसे हम बॉईल करेंगे 15 से 20 मिनटों के लिए। आंवले को मैंने पहले साफ़ वॉश कर लिया है। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और हमें सारा पानी स्ट्रेन कर देना है और एक प्लेट में आंवले को निकालना है। उससे पहले मैं आंवले को चेक कर लेती हूँ कि ये ठीक से पका है या नहीं। देखिए हल्का सा प्रेस करके देख लेते हैं, ये प्रेस हो रहा है मतलब ये पक चुका है। अभी मैं इसका सारा वाटर अलग कर दूंगी और इसे एक बर्तन में निकाल लिया। वापस मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। इसे बॉईल मैंने इसलिए किया ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये आसानी से इसके स्लाइसेस भी ओपन हो जाए। ये देखिए इस तरीके से इसके सारे स्लाइस हम ओपन कर लेंगे और इसके बीच अलग निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने कम से कम 15 से 20 आंवले लिए हैं, जिसके स्लाइसेस यहाँ पर मैंने निकाल के रख ली है। इसमें अभी मैं दालचीनी का पाउडर डालने वाली हूँ। ये हमारे ब्रेन और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसका यूज़ ज़रूर करिए। यहाँ पर मैंने 2 पिंच के करीब दालचीनी का पाउडर लिया हुआ है और अब मैं इसमें हनी डालूँगी। हनी इसमें हमें इतना डालना है कि ये कैंडी पूरी तरह से हनी में कवर हो जाए, पूरी तरह से डिप हो जानी चाहिए। इतना हनी हमें इसमें डालना है। ये देखिए अच्छी तरह से सारे आंवले इसमें डिप हो जाने चाहिए। इसे मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करके पूरा इसमें जो सिनेमन पाउडर मैंने डाला है वो सारी चीज़ें मिला करके इसे मैं 3 दिनों के लिए ऐसे ही रख दूंगी कवर करके। फिर 3 दिनों बाद हम चेक करेंगे। देखिए 3 दिनों बाद जो आंवला था उसने पूरा हनी और सिनेमन एब्जॉर्ब कर लिया है और वाटर रिलीज कर दिया है अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से अलग हो चुका है। इस पानी को मैं निकाल देती हूँ, अभी पूरी तरह से स्टेन कर लूँगी। इस पानी को स्टेन करने के बाद जो आंवला कैंडी है उसे हम एक प्लेट में अच्छी तरह से फैला करके धूप में सुखाएंगे 3 दिनों तक, और अगर छांव में सुखा रहे हो तो 5 दिनों तक सुखाइए इसे। तो अभी मैं इसे सुखाने रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 3 से 4 दिनों बाद ड्राई होकर के इस तरीके से हो जाती है, ऐसे नज़र आती है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। मैंने आपको थोड़ा सा जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ी सी बनाकर दिखाई है। अगर आप बहुत आपको पसंद आती है तो आप और बना सकते हैं, और भी बना करके स्टोर करके रखिए आराम से। 1-2 महीने से कुछ नहीं होता है, 2 मंथ के करीब आप इसे रख सकते हैं और खाने के बाद आप इसे खाइए। जब भी आपका मुँह ख़राब लग रहा हो आप इसे खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।